नवीद के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लगता है। अल्लाह करे कि आमिर भाई और अबू का अंदाजा ठीक निकले और नवीद तुम्हारे लिए अच्छा निकले। तुम्हारे पापा ने 70% एहसन के नाम करकर मेरी इंसल्ट की, मुझे डिसअपॉइंट किया है। बेटा मैं चाह रहा हूं कि आज शाम ही कशफ का निकाह हो जाए। प्लीज ऐसा मत कर, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। ऐसे लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत है, तभी तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने मुझे यहां पे बुलाया। और शायद इसी बात का तो फायदा उठाती हूँ। तुम यही समझ लो, कशफ चलो मेरे साथ। वैसे भी मेरे घर वाले आ रहे होंगे, तुम जाओ यहां से। मुझे पता था तुम्हारी मर्जी भी इसमें शामिल, इसी वजह से तुम एकदम से मान गए। ऐसे मेरी बात सुनो, घर वाले आ रहे हैं। अरे भाई मैंने आपको आधा घंटा पहले भी फोन किया था, कहाँ पे आपका बंदा? नहीं फूल वाला भी नहीं आया और उसने सफाई भी नहीं की इस पूरी एरिया की। मैं जो आपसे कह रहा हूँ आप वो सुनिए ना, अपने बंदे को फोन कीजिए और मुझे बताइए कितना दूर है। जी इमरान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कब से ढूंढ रही हो तुम, यहाँ खड़े हो? अच्छा सुनो, एक काम तो करो, कशफ को पार्लर से पिक कर लो, बहुत देर हो गई, सारे मेहमान आ गए हैं ना, और काजी साहब भी आ गए हैं। भाभी आमिर भाई को बोल देना वो पिक कर लेना। आमिर भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, मेहमानों के साथ कौन बैठेगा? अगर आमिर भाई को बोल दूं, तुम वैसे ही खड़े हो तो पार्लर को तुम्हें पता भी है ना, तो जाके ले आओ ना उसे। ठीक है ले आता हूँ, गाड़ी की चाबी दो। मेरे पास कहाँ है, आमिर के पास है गाड़ी की चाबी। अच्छा अच्छा रुको मैं लेके ले आता हूँ। ये आप क्या कह रही हैं, कशफ कहाँ चली गई? भाई उसे गाड़ी घर से लेने आई थी और वो चली गई। लेकिन उसको घर से पिक करने मैं आया हूँ। Well, I have no idea about it. She said मुझे घर से कोई लेने आया है और वो चली गई। मैं घर से पता करता हूँ। Yeah, please do that. जुबैर साहब निकाह का तो 8:30 बजे का टाइम था, जरा जल्दी कीजिए, मुझे एक जगह और निकाह पढ़ाने जाना है। मैं माजरा चाहता हूँ, एक मिनट बोलिए। सुटम से पूछो निकाह की तैयारी करें। जी वो इमरान गया है कशफ को लेने, बस पहुंचता ही होगा, मैं मालूम करती हूँ। जल्दी पता करो भाई, कोई सब कह रहे हैं कहीं और जाना। मैं फोन करती हूँ अभी। आई ऐसे ये क्या कर रहे हो तुम, गाड़ी वापस मुड़, मुझे घर जाना है। ऐसे क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जहाँ से वापसी नामुमकिन, कशफ तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। खुदा के लिए ऐसा ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगी ऐसे। क्या किसी और की होके तुम जिंदा रह लोगी? मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप जिंदा रहने चाहिए। ऐसा गाड़ी वापस मोड़ा, ऐसा मुझे घर छोड़ के आओ, मेरे घर लेकर जाओ मुझे वापस। कशफ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, घर छोड़ के आओ मुझे। ये बाहर एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? बेगम साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई, एम्बुलेंस को बुलवाया, उन्हें अस्पताल लेकर गए। ओह गॉड, अच्छा मैं आती हूँ। क्या हुआ एहसन, गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ? मैंने नहीं रोकी, खुद बंद हुई है, देखता हूँ क्या हुआ। क्या मतलब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और यहाँ तो कोई आबादी भी नजर नहीं आ रही। प्लीज पैनिक मत करो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं हुआ मैं देखता हूँ। उफ अब क्या होगा, जब पार्लर पर भाई आ गए तो फिर क्या होगा? मैं उससे पहले तुम्हें पहुंचा दूंगा, मैं देखता हूँ।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। शायद इंजन हीटअप हो गया, कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर? सन बहुत देर हो जाएगी। कश्यप, मैंने गाड़ी जान के नहीं खराब की। तुम घर पे फोन करके कह दो कि दोस्त के साथ आ रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, कुछ देर में पहुंचाऊंगी। शादी है आज मेरी और मैं पार्लर में तैयार हो रही थी, किसी दोस्त के साथ पार्टी में नहीं थी। जो मैं ये बहाना करूंगी और वो सब मेरा यकीन कर लेंगे और मेरे घर से मुझे मेरा भाई लेने आ रहा था, कोई दोस्त नहीं। तुम्हें मेरे साथ आने का इतना अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी शादी में कोई गड़बड़ ना हो जाए? ठीक है, चली जाओ उनके साथ, बुला लो किसी को कश्यप। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, वैसे ही जैसा मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम मुझे मुश्किल में फंसा कर हमेशा एक तरफ खड़े हो जाते हो, बिल्कुल अजनबी बनकर। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए मुझे तुम पे भरोसा। प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हो मुझसे। मैंने कहा ना दूर हो मुझसे, तुम मुझे सिर्फ बर्बाद ही कर सकते हो और कुछ नहीं। महविश, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगी। तुम कौन हो हाँ? और मम्मी के साथ हमारे घर क्या कर रही हो? थोड़ा सब्र कर लो, सब पता चल जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताने की पाबंद नहीं हूँ, जब अंडी ठीक हो जाए तो उनसे खुद ही पूछ लेना। जस्ट कीप क्वाइट। तुम जितना परेशान हो अंडी के लिए, मैं भी उतना ही परेशान हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम चली जाओ, निकलो। हेलो, ओके, मेडिसिन खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, मुझे सेंड करो, मैं अरेंज कर रही हूँ। हाँ हाँ सेंड करो, मैं वेट कर रही हूँ। भाई इन सबकी इज्जत अपने कदमों तले रोंद कर चली गई है, वो आ गई है किसी के साथ हमें धोखा देके। बंद करो ये शादी के ड्रामे, अब मैं तुम सबको अच्छी तरह से मजा चखाता हूँ। क्या? मैंने कभी भी नहीं चाहा ऐसा तुम्हारे बारे में जैसा तुम सोच रही हो। मुझे घर जाना है, ऐसे मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे घर वाले कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ करो ऐसे। प्लीज मैं देखता हूँ। कुछ करो ऐसे, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो ना। नहीं होड़ी गाड़ी स्टार्ट, तुम्हारे सामने ही है, कितनी दफा की है। ओ अल्लाह, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओ ऐसे। मुझे बहुत डर लग रहा है, जगह बहुत सुनसान है। कश्यप, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो कश्यप, प्लीज। नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं बैठूंगी यहाँ, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कश्यप तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा हुलिया ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ जाओ, हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे इससे ज्यादा जिसमें हम अब हैं। तुम प्लीज गाड़ी में बैठो कश्यप। तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे ऐसा। मैं क्यों आ गई तुम्हारे साथ? शेफ, उस वक्त मैं बहुत जज्बाती हो गया था, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं देखता हूँ।
यार क्यों नहीं आया, कॉल करके गाड़ी मंगवा लेता। हेलो हेलो, हाँ महवेश, अम्मी आईसीयू में, लेकिन वो तो ठीक थी। महवेश महवेश, मैं सचमुच मुश्किल में, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। महवेश मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भाईजान यार, यहाँ पे कोई मैकेनिक होगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई मैकेनिक है तो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर जल्दी, चेक करो इसको, और मत चेक करो इसका, देखो पीछे बैठा, गोली मार दो पीछे। बहुत देर हो गई है, अभी तक कश्यप क्यों नहीं आई है, ऐसा कौन सा तैयार है? कश्यप कहाँ है? कश्यप वह नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो, होश में थो तुम, कहाँ है वो? नहीं जानता कहाँ है, वहाँ नहीं है, कहीं चली गई है वो। अरे कहाँ चली गई है, कैसे जा सकती है वो, चली गई है वो। सबकी इज्जत अपने कदमों तले रोंद कर चली गई है वो। आ गई है किसी के साथ, हमें धोखा देके। अबू आप बिल्कुल सही कहते थे, ठीक कहते थे आप, ये एक ना एक दिन ये लड़की हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, धोखा देगी हमें, और वही किया उसने। मेरी पीठ में चूरा घूम दिया, बर्बाद कर दिया हमें। इमरान, इमरान क्या कह रहे, क्या कह रहे, ये कैसे हो सकता है? मेरी कश्यप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी कश्यप ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कर चुकी है, आज वो आंखें पाड़े हमारे सामने खड़ा है। पापा प्लीज प्लीज, आप अपने आप को कंट्रोल करें, हो सकता है कि कश्यप के साथ कोई हादसा पेश आ गया हो, हमें थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, हो सकता है वो आ जाए। और इमरान, हमें पॉलर वालों से सख्ती से बात करनी होगी, वो यकीनन जानते होंगे कि कश्यप किसके साथ गई है और कब गई है और कहां गई। बात तो हो चुकी है, किसी और तबाही का इंतजार है क्या? अरे ख्याल जब भी वो वापस इस वक्त सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, तुम्हारी गंदी तरबियत और कुछ नहीं। आप तो सारे यहाँ क्यों जमा है, देर हो रही है, बाहर काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं नवीद भाई, बस आप चलें, हम आ रहे हैं। कोई मसला है क्या? अरे नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आप चलिए ना प्लीज। अच्छा आ गई पॉलर से? हाँ जी जी, बस आने ही वाली है, कश्यप बस आने वाली है, आप चले बाहर चल के बैठते हैं, उसको कुछ दोस्तों ने पिक कर लिया तो बस थोड़ी सी देर हो गई है, बस आने वाले हैं, चले आए ना प्लीज बाहर बैठते हैं। हाँ जी हाँ जी, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है, सिर्फ उन तक पहुंचने की टेंशन है, कोई एहसास ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं कि तुम मेरे साथ क्या कर चुके हो। मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, और अगर थोड़ी देर तक मैं घर नहीं पहुंची तो मेरी तो सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी।
तुम इतने खुदकश कैसे हो सकते हो ऐसे? और अगर तुम इतने सेल्फिश थे तो मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं क्यों आंखें बंद करके तुम पे भरोसा करती थी? और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया। या अल्लाह मैंने क्या कर दिया? कश्यप वैसे ना कहो, मुझे फिक्र है तुम्हारी भी। हाथ मत लगाओ मुझे, दौड़ाओ मत से। नारियां मुझे तुम तो वो ऐसा नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। कश्यप तुम मुझे सेल्फिश कैसे कह सकती? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद गर्ज होता तो हॉस्पिटल में अपनी अम्मी के पास होता। क्योंकि तुम मजबूर हो गए यहाँ रुकने पर, कोई कन्वेंस तो नहीं मिले यहाँ पर, वरना तुम तो मुझे इस वीराने में अकेला छोड़कर कब के चले गए? ऐसा नहीं हूँ कश्यप। तुम ऐसे ही हो, मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना अब तुम्हें। पर अफसोस सिर्फ इस बात का कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना। फोन पार्लर में ना रह गया होता तो मैं अपने भाई भाई फोन दो मुझे अपना। मैं अभी अपने भाई को फोन करूंगी, उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। फोन दो मुझे अपना। फोन नहीं मेरे पास, मैंने तुम्हें बताया वो छीन के ले। कश्यप तुम्हें इस चीज का एहसास है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ? बस फोन भी नहीं, छीन के ले गए हैं वो फोन। कितनी बार बताऊं तुम्हें कश्यप, क्या देख रही है? सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना एहसन? क्या कहना चाह रही कश्यप? समझ में आ रहा है, सब तुमने मेरी शादी खत्म करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करके और उसके बाद तुम इसी घटिया प्लानिंग से मुझे हासिल करना चाहते थे ना एहसन? कश्यप ये तुम यही सोचा ना? बोलो एहसन तुम ना। इस्मत बहन, ये मैं बाहर क्या सुन रही हूँ? क्या ये खबर सच है? मेरे मुंह में खाक, हर लोग कह रहे हैं कि कश्यप बेटी पार्लर से कहीं चली गई। फौजिया, फौजिया बेटा तुम ही कुछ बताओ। जी 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 चली गई है। इसे पूछे, हमसे पूछे यहाँ पे क्या गुजर रही है। सारी जिंदगी इन्होंने ना मामू जान की जिद में, खुली आजादी है, खुली आजादी। आज सब ने देख लिया उसका क्या नतीजा। फौजी बेटी तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब वो खबर सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पैरों तले तो जैसे जमीन ही हिल रही है। कसम से आज मुंह भर के बात करूं ना तो जहर रिश्ता है। हाँ हाँ ये बात सच है, सच है, ये बात सच है। लगता तो नहीं था कश्यप ऐसी लड़की होगी। कि यही बहुत अच्छी अदाकारी थी, बहुत अच्छी। कभी जाहिर नहीं होने दिया उसने कि उसके अंदर असल में है क्या। लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? फहीम साहब, मैं तो खुद सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सच्ची है शायद। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारी बेटी की दिन तारीख देने में ये कितने बहाने घड़ रहे थे, और अपनी बेटी के लिए चंद घंटों में सब कुछ हो गया। यही सब कुछ जो होना था इसी वजह से ये लोग कानून टोल से काम ले रहे थे। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, मेरी बेटी का मामला है, आखिर ब्याह के उसने इसी घर में आना है, हमारी भी कोई इज्जत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। दो दिन बाद हमारी बेटी की शादी है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि यहाँ सब क्या माजरा हुआ है।
खुश हो जाएं आप, खुश हो जाएं आप। सुन ले ये सब कि कश्यप की वजह से, आपकी कश्यप की वजह से चकी की इज्जत नहीं रही मेरी। वालेकुम अस्सलाम। बताओ एहसन साहब कहाँ पर है, रूम में है? नहीं, एहसन साहब तो घर नहीं आए। क्या वो अस्पताल भी नहीं आए? नहीं। अच्छा, डॉक्टर से हिना जी की मेडिकल फाइल्स मंगवाई है, महविश से बात हुई है, महविश ने कहा है वो उनके रूम में पड़ी है, ड्राइवर से कहो कि वो हॉस्पिटल ले आए। जी मैं कह दूंगी। ठीक है। कहाँ जाओगी इस वीराने में? मैं तुम्हारे साथ। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ मुझे। नफरत है मुझे तुम्हारे साथ से। कश्यप, छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। जान पहचान वालों से भी पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता, कहीं नहीं है वो। अपनी मर्जी से किसी के साथ गाड़ी में बैठ कर वो पार्लर से गई है, पार्लर वालियों ने बताया मुझे ये। अब बताएं आप। इमरान कहाँ है कश्यप? कहाँ है कश्यप? नवीद भाई आप बाहर जाएं, हम बस आते ही होंगे अभी। तुम चुप करो फौजिया, बीच में मत बोलना आप, समझी तुम? अरे भाई कुछ पता चला किस क्षण गई हो बलूस पार? ओहो अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा, ये ड्रामा हो रहा है यहाँ। नवीद बेटा, मामू जान मुझे धोखा देने से पहले कम से कम आप अपने सफेद बालों का ही लिहाज कर लेते। तो मेरे यकीन सारे यकीन खत्म हो चुके। आप लोगों ने मेरे पैसे लूटने के चक्कर में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया जान। नवीद भाई नहीं, कसम से प्लीज नवीद भाई, कसम से हमें नहीं पता ये सब। हमें तुम चुप करो, बंद करो ये शादी के ड्रामे, अब मैं तुम सबको अच्छी तरह से मजा चखाता। क्या जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस करो, वरना मेरा लीगल एडवाइजर आ रहा है। फिर बाद में मत कहना कि यार नवीद भाई ये क्या किया आपने। नवीद भाई क्या बात कर रहे हैं आप, आपको पता है कि ये हमने जानबूझ कर नहीं किया, ऐसा मत करें प्लीज। बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है कि आपने जानबूझ के किया है या नहीं किया है। अबा उन्होंने अपना लीगल एडवाइजर बुला लिया जो कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाला है। क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वो बता दो,
हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, वरना तुम लड़की को लेकर भाग चुके होते। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है सर। कर रहे हैं ना आपकी हेल्प, बैठो गाड़ी में, हमारे घर ड्रॉप कर देंगे आप। हाँ हाँ ड्राइवर है ना हम तुम्हारे, चलो हाँ तुम्हें तुम्हारे असली घर पहुँचाते हैं, चलो चले चलो। देखें सिद्दीकी साहब, सुबह मेरी फ्लाइट है, मुझे यहाँ से जाना है। जाने से पहले मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके हवाले करना चाहता हूँ। एवरीथिंग वॉज प्लान, आप समझ रहे हैं मेरी बात, एवरीथिंग वॉज प्लान। मैं आपको अभी टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है आप आइए। नवीन भाई आप तो सिचुएशन समझते हैं ना, प्लीज ऐसा तो ना करें, आप तो समझे ना। अब तो मुझे सिचुएशन समझ में आ रही है, अब तो मुझे पता चला है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन ये तुम दोनों मेरे साथ कैसे कर सकते हो ये? हम दोनों नहीं, नहीं हम दोनों ने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। नवीद भाई नहीं, हम आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। आमिर दैट्स एनफ, ओके, इतनी बेइज्जती आज तक मेरी कभी जिंदगी में नहीं हुई। तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो ये? अपने से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ फौजिया। नहीं नवीद भाई मेरा यकीन करें, आपकी कसम। इसकी जरूरत नहीं है, कसमें मत खाओ, जो फैसला मैं कर चुका हूँ वो मैं अब करके रहूंगा। नवीद भाई ऐसा ना करें, आप मेरी खातिर नवीद भाई प्लीज। तुम्हारी खातिर इतना रहम कर रहा हूँ कि मैं इन सबको अभी जेल नहीं भेज रहा, वरना अमित साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि फ्रॉड केस करने के बाद पूरे का पूरा खानदान सलाखों के पीछे होता है, यू नो दैट ना। पूरा खानदान जाता है सलाखों के पीछे। अब देखिए नवीद भाई प्लीज ऐसा ना करें, आपको तो पता है कि हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज ये तो ना करें हमारे साथ। नरमी कर रहा हूँ, रियायत बरत रहा हूँ, समझ रहे हो तुम, जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस करो, वरना मेरा लीगल एडवाइजर आ रहा है, फिर बाद में मत कहना कि यार नवीद भाई ये क्या किया आपने। नवीद भाई क्या बात कर रहे हैं आप, आपको पता है कि हमने जानबूझ कर नहीं किया, ऐसा मत करें प्लीज। बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है कि आपने जानबूझ के किया है या नहीं किया है, आप रहने दें बाद ही में बात होगी। नवीद भाई प्लीज, नवीद भाई प्लीज प्लीज प्लीज। क्या प्लीज, तुम्हारी वजह से इतना मैंने कर दिया बहुत है, अब मुझसे नहीं होता, हटो। अच्छी लड़की कोई और ढूंढ लिया, हटो मुझे जूस मंगा के दो, पानी नहीं जूस, पूरी फैमिली जेल जाती है। हाँ तुम्हें लॉ पता है? नहीं मॉम, भाई का नंबर ऑफ है। ऐसे कैसे हो सकता है नागेश, मेरी बीमारी का सुनकर भी उसने फोन बंद रखा हुआ, इम्पॉसिबल। मॉम आपके सामने मैं 3 बार तो ट्राई कर चुकी हूँ, और क्या करूँ? उसके दूसरे नंबर पर कॉल करो। हम दोनों नंबर ऑफ हैं। तो घर पर कॉल करो, हो सकता है आ गया हो। नहीं वो घर पर भी नहीं पहुंचे, मेरी सकीना से बात हुई थी। अब आप कैसा फील कर रही हैं आंटी जी? आई मीन के अब तो आपका प्लान खराब हो गया होगा। क्या मतलब, कौन सा प्लान? नहीं वो तो आपकी कंडीशन इतनी सीरियसली, हसन को आपके पास होना चाहिए, आप अभी आईसीयू से बाहर आई हैं तो। मॉम ये क्या बात कर रही है, तो मेरी बीमारी को प्लान समझती? नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस। तुम घर क्यों गई थी? मैं घर नहीं गई थी, मेरी सकीना से फोन पर बात हुई थी, और फिर आपने तो कहा था कि मैं एहसन के ज्यादा से ज्यादा करीब रहा करूं। महवेश जाओ बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। जी मॉम। जी आप अंदर जाके आराम कर लें, ऐसे बैठे रहेंगे तो अल्लाह ना करे आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। पड़ जाओ अच्छा है, बल्कि दुआ करो यूं ही बैठे बैठे मर ही जाओ। अल्लाह ना करे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं।
आक्रोश वो होने से पहले पहले मैं मर जाऊं। रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, बिरादरी में कैसी थू थू हो रही है तुम्हें क्या पता इस्मत बेगम? तो ऐसी बेहस हो? नहीं जी, कश्यप ऐसी नहीं है, कश्यप ऐसी नहीं है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई हादसा कुछ ऐसा हो गया। बस कर दो ये बातें, बस कर दो ये बकवास, ये तिफल तसल्लियां। भाई बेशरम लाडली बेटी घर से भाग चुकी है, और वो भी उस वक्त जब दरवाजे पे बारात आई बैठी। इसी लफे से डरता था, इसी लम्हे से डरता था, इसी खौफ से अल्लाह की पनाह मांगता था। नसीब में लिखी थी ये ज़िल्लत, क्या दे? अब आप इस वक्त फजूल बातों में उलझने का वक्त नहीं। हम पर एक और बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल होने वाली है। अब क्या हो गया, क्या होना बाकी रह गया था? मामू जान, मैंने तो नवीद भाई से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अबा, उन्होंने अपना लीगल एडवाइजर बुला लिया जो कुछ देर में यहां पहुंचने वाला है। क्या करें? अब नवीद भाई को अपनी सारी रकम आज और अभी चाहिए। अरे क्या पागल है वो, इतनी बड़ी रकम हम हाथ में लेके बैठे हैं क्या? अबा, हमने नवीद भाई को हर तरह से समझाने की कोशिश की है, प्यार से, गुस्से से, लेकिन वो बजिद हैं कि उन्हें अपनी रकम आज और अभी चाहिए। कौन बर्दाश्त करते हैं? भाई तो प्यार, मोहब्बत, रिश्तों और खानदान के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, कैसे बर्दाश्त करते हुए? लेकिन फौजिया बेटी, फिर भी अब्बा कोई फायदा नहीं है इन बातों का। अगर हमने नवीद भाई को वक्त पर पेमेंट नहीं की तो वो जो हमारी रही से इज्जत है वो भी मट्टी में मिला देंगे। कश्यप, कश्यप, कश्यप कहीं भी नहीं है, अम्मी हर जगह देख लिया। दुआ करो अब वो मिले भी तो मुर्दा हालत में मिले, वरना मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। दुआ करो मर जाए वो, मर जाए, मर ही जाए, हम सबका पर्दा रह जाए, मर जाए। आप क्या करेंगे? लेट जाइए। तुम जाओ, जाके डॉक्टर को बुलाओ, मुझे घर जाना है, आके डिस्चार्ज करें मुझे। इस वक्त यहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है, और वैसे भी सुबह होने में 2-3 घंटे रह गए। तुम होती कौन हो मुझे इंस्ट्रक्शंस देने वाली? ऐसा ने एक दफा भी कॉल नहीं की? नहीं। और महविश कहाँ है? वो घर गई थी। फोन दो मेरा। जी
ये लीजिए। निकानामा तो भाई मैं किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी का नहीं, निकानामे का पूछ रहा हूं, अगर है तो दिखाओ मुझे। नहीं। क्या निकानामा नहीं है? और ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? हमें घर जाने दें सर, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। और ये बात तो तुम मुझे 10 बार पहले भी बता चुके हो, और जो बताने वाली है बातें वो तुम सुन नहीं रहे हो। और तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन, और इस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और बोलो भाई क्या नाम है तुम्हारा? और ये तो नहीं बताएगा लग रहा है। लड़की तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे वालिद कौन है? अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखाओ। सर मुझे मेरे वकील को बुलाने दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, प्लीज इसे घर जाने दें। ये बात तो इस लड़की को घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं आपको बता रहा हूँ हमारी गाड़ी खराब हो गई थी सर। मैं जान लू मैं गई तुम्हारी गाड़ी, जो बात मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। तुम कहाँ से आ रहे हो, ये लड़की कौन है, और शहर से वीराने में इतनी रात को क्या करने जा रहे थे, कौन सी जगह से ड्रॉप करने जा रहे थे? इस घर के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसकी कीमत उस रकम से कहीं ज्यादा है जो हमने नवीद से लिए। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं मेरी बात तो सुन ले, कम से कम मेरी बात सुन ले। क्या बात सुनूं तुम्हारी? There is no point, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अबू मेरा यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। अबू मेरी बात यहाँ से तुम मर गए। अबू मैंने कुछ नहीं किया।